नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर चांदपुर से। चांदपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के पावन पर्व पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ने बैंड बाजों और मनमोहक झांकियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। संत रविदास के 648वें जन्म उत्सव पर शहर के मोहल्ला सराय रफी, धर्मशाला से शुरू होकर नेहरू चौक, ढाली बाजार, शंकर मूर्ति, सातो इमली आदि स्थानों से झांकियां निकाली गईं, जो बाद में पतियापाड़ा धर्मशाला पर पहुंची। भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ मोहल्ला सराय रफी धर्मशाला से हुआ। संत रविदास के जीवन को उकेरती हुई कई मनमोहक झांकियां, मशहूर बैंड, ढोल नगाड़े, अखाड़े, डीजे के साथ बड़ी संख्या में भीड़ शोभा यात्रा में शामिल रही। हवन पूजन के बाद प्रसाद वितरण किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि विवेक करणवाल ने फीता काटकर किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु के चरणों में अरदास कर प्रसाद ग्रहण किया। भारी संख्या में पुलिस बल समेत मौजूद रहे। रविदास जयंती में कमेटी के अध्यक्ष सुरेश खन्ना, यतीश कुमार छोटू और प्रताप सिंह, मुख्य अतिथि विवेक करणवाल, विशिष्ट अतिथि गोविंद मित्तल के पुत्र सार्थक मित्तल रहे। कमेटी सदस्यगण गजेंद्र कुमार, सुरेंद्र नेता, ओम प्रकाश, सुमित लाल, चंद्रकांत सिंह सभी का पूर्ण रूप से समिति चांदपुर में सहयोग रहा। मंडल कोऑर्डिनेटर महेंद्र कुमार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मन को सदैव साफ रखना चाहिए, वो भक्ति लगन से करनी चाहिए। कहा, मन चंगा तो कसौटी में चंगा। कॉलेज में और मेरा आज से डेढ़ महीने मेरा एक्सरा हुआ था 31 दिसंबर को, जो कि सेक्टर ने करवाया था। बिजनौर में कॉलेज गई छात्रा के साथ युवक ने की छेड़छाड़, तोड़ी हाथ की उंगली। आरोपी युवक के ऊपर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। छात्रा का आरोप, प्रिंसिपल से शिकायत करने पर छात्रा को प्रिंसिपल ने कहा बुरा भला। छात्रा ने धामपुर थाने में दी तहरीर, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। कॉलेज आते जाते वक्त छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता है युवक, छात्रा परेशान। कहीं भी सुनवाई न होने पर छात्रा व उसकी माँ ने मीडिया से लगाई इंसाफ की गुहार। धामपुर के RSM कॉलेज एमए की छात्रा है पीड़िता। आरोपी युवक छात्रा का क्लासमेट है तथा करता है गलत गलत कमेंट्स। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र का पूरा मामला। मेरा नाम कॉलेज की छात्रा। अच्छा, न्यूज कवरेज के लिए बुलाया था, क्या है पूरा मामला? मेरे साथ छेड़छाड़ हुई थी कॉलेज में और मेरा आज से डेढ़ महीने मेरा एक्सरा हुआ था 31 दिसंबर को, जो कि सेक्टर ने करवाया था। और वो कल मुझे कॉलेज में मिला तो 10 बजे, तो उसने मुझसे ये बोला कि तू मरी नहीं, और फिर उसने ये भी कहा कि तो पेपर देने के बाद मिल, तो फिर उसने मेरे साथ हाथापाई की और छेड़छाड़ की। अच्छा, सत्यम कौन है? ये मेरा क्लासमेट है। कहाँ का निवासी है? सिरकोट का। अच्छा, आपने इसकी शिकायत किसी से की थी? मैंने पहले प्रिंसिपल से भी की थी बहुत सारी शिकायत, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं उठाया था। फिर मैंने धामपुर थाने में दिए। कल जब मेरे साथ ये हादसा हुआ है, कल मैंने धामपुर थाने में दिए, फिर आज मैंने कैसे दिवस में दिए। इसकी वजह से मेरी उंगली भी, उसने मेरी उंगली भी तोड़ी है और मेरा आधा चेहरा तिरछा हो चुका है, जिसने मेरे थप्पड़ थप्पड़ मारे हैं उन्होंने। अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप? ये चाहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। ठीक।